हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट फ्रॉम सॉल्यूशन। SSCGL JSO का 2017 का पेपर देख रहे हैं, जो आपका 2018 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। ये आपको आई बटन पर वो वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और शॉर्ट नोट्स की लिंक भी वहाँ मैंशन की हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन, और इसमें थोड़े बहुत पॉइंट बता दूंगा मैं एक्स्ट्रा आपको। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.5 एंड 0.4.5। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि लगे कि हाँ आप सीरियस हो। इसमें पूछा है आपसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आपसे आर या फिर आप जो रो जिसे भी डिनोट करते हो, आर की वैल्यू पूछी और आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखें। तो आपको पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बीच में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो, वो होता है कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी आपकी 0.5 एंड 4.5 का मल्टीप्लायर क्या होगी आपका, कितना आ गया आपका 2.25 यानी कि 1.5। ठीक है, क्लियर, ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 के आगे आंसर आ गया। इसके साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू वेरी करती है, ये -1 से लेके +1 वेरी करती है, बट वहीं इनके आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की पूछा जाए तो 0 से लेके और 1 के बीच में वेरी करती है, यानी कि ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये आपके ना तो स्केल पर, जो स्केल है एंड ओरिजिन है, दोनों पर डिपेंड नहीं होता। वहीं इस केस में जो स्केल है इस पर डिपेंड होता है, ओरिजिन पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसका आंसर क्या था, 1.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली इसमें जो है सिग्मा वाली टर्म नीचे आ जाएगी, कोवेरियंस वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, केवल एक ही ऑप्शन है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसमें स्क्वायर दे रखा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट जिसने फॉर्मूला पूछ लिया है। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसने बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कहां से कहां तक वेरी करता है। तो डेफिनेटली ये -1 से लेके +1 वेरी करता है, बट जो वैल्यू है वो इक्वल में भी हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन किसके लिए, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं 29 क्वेश्चन। इसने बोला है स्पीयरमैन का रैंक संबंध गुणांक, स्पीयरमैन का रैंक संबंध गुणांक इसने पूछा है। और स्पीयरमैन किसके लिए, ये कोरिलेशन के लिए। कोरिलेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बट देखो 1 प्लस में जो भी वैल्यू होगी वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। अब देखो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है, टोटल पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो ये क्या हो गई, ये वैसी क्रॉस हो गई। इसमें ये टर्म जो है वो डी की स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल, केवल एक ऑप्शन है थर्ड वाला, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको अगर एक प्रॉपर्टी पता है उस प्रॉपर्टी से दूसरी चीज़ भी आप इजीली कर सकते हो एलिमिनेट करके। अब इसके बाद कई बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाने के लिए भी 4 में से 2 ऑप्शन जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो एलिमिनेट करो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक, जबकि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू 0.5 दे रखा है, और डिटरमिनेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, वो आपका होता है आर स्क्वायर, और नॉन डिटरमिनेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 - r². तो ये अलाइनेशन आपको अनरूल में कर देना, 1 - r² कितना हो गया, 1 - 0.25, ये कितना हो गया आपका 0.75। ठीक है, वहीं आपसे अलाइनेशन पूछे तो 1 - r² का क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 का, 0.75 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, ये हो गया आपका 0.75। क्या पूछा इसने, सिर्फ नॉन डिटरमिनेशन पूछा है, नॉन डिटरमिनेशन क्या हो गया, ये वाली चीज़ हो गई, क्लियर, ये 1 - r² वाली। तो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 31 देखते हैं। 31 आपको दे रखा है कि x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म ऑफ v, एंड आपसे बोला है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वी यू वी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.2 दे रखा है, और वहीं आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई पूछा है। अब एक बात देख लो, एक बात इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको क्या है, एक्स की टर्म यू में दे रखी है, ठीक है, और वाई की टर्म वी में दे रखी है, डायरेक्ट करो इसको बिना किसी दिक्कत के। देखो एक्स और वाई है, आपको जो दिया है उसको वन साइडेड ले लो, यू और वी वन साइडेड है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पर बी एक्स वाई और बी यू वी इनके बीच में क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा, वो कितना होगा, 3/3/4। ठीक है, तो बी यू वी आपको कितने थे, 1.2 दिया है, तो बी एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.9। ओके, कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अलग से समझा दिया है, ठीक है, और ये देख लेना है उसकी वीडियो, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इसको मैंने शॉर्टकट मेथड से भी आपको बताया है कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करें, तो उसको अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिल्कुल यही क्वेश्चन है सेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन है इसमें कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ सिक्स कैंडिडेट्स, ठीक है, इन टू क्राइटेरिया इज 21, ठीक है, और हिंदी में भी दे रखा है, देख लेना इसको, द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इस रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा उस कंडीशन में। अब एक बार देखो, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आप किससे डिनोट करते हो, इससे, 1 - k 6d² अपॉन में n इंटू n स्क्वायर माइनस के 1, यही होता है। अब इस कंडीशन में आपका d कितना दे रखा है, इसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये सम है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक, यानी कि 6 कैंडिडेट की जो है, यानी कि n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 6 दे रखा है, और जो इस डिफरेंस का, रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर है वो कितना है, 21 है। तो यानी आपको सम ऑफ d स्क्वायर कितना दे रखा है, वो आपको 21 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू है वो पुट करनी है, 1 - k 6 × 21 अपॉन में 6 × 35, ठीक है, ये 6 से 6 कट गया, 7 से 3 5, तो कितना आ गया, 2/5, यानी कि आपका 0.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है कि 4y = 15 + 6x, और यहाँ आपको बोला है कि जो रिग्रेशन लाइन है वो वाई ऑन एक्स है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका 0.9 है, और आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई पूछा है। अब आपको यहाँ दे रखा है बी वाई एक्स, क्योंकि वाई ऑन एक्स है ना, तो वो कितना दे रखा है आपको, देखो 4 का डिवाइड कर दोगे इसमें, तो ये जो है ओरिजिन पे डिपेंड होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 6/4, और जो 6/4 है ये किसके बराबर होगा, ये आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स, क्योंकि क्या है, वाई ऑन एक्स है। अब एक तो आपकी ये हो गई, आर आपको पता है कि भाई 0.9 है, अब आपसे क्या पूछा है, बी एक्स वाई पूछा है, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है। तो यहाँ क्या होगा, देखो ऐसे मत कर देना कि आप यहाँ 6 का डिवाइड कर दो और 6 का डिवाइड करके आप निकाल दो, ये लाइन ऑलरेडी क्या है, वाई ऑन एक्स पर रिग्रेशन लाइन फिक्स की हुई है उन्होंने, तो हमको क्या है, एक्स ऑन वाई निकालना है इस कंडीशन में। तो हमको क्या चाहिए, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई चाहिए। अब मेनली क्या है, हमारे पास आर तो है, आर कितना है 0.9, और सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ से देखो अगर 0.9 को डिवाइड करोगे यहाँ, तो 0.9 जस्ट रिवर्स हो जाएगा अपॉन 6। आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, लगभग 27 अपॉन में 50, यानी कि आपका 5 से डिवाइड करोगे तो 0.54, कितना आ जाएगा 0.54, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 35 नंबर का, ये आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है आर इक्वल टू 0.75, और आपको यहाँ पर मानक विचलन दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 5 and 6.4, ओके। अब आपसे इसने क्या पूछा है, इसने आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है एक्स पर वाई, यानी कि आपका अगर इंग्लिश में देखते हैं इसको, तो आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है इसने वाई ऑन एक्स पूछा, यानी बी वाई एक्स पूछा है इसने, ठीक है। बी वाई एक्स के लिए क्या होगा, आर सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, सब आपको वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू कितनी है इसमें 0.75, सिग्मा वाई कितना है 6.4, और आपका सिग्मा एक्स कितना है 5 है, तो डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सब कुछ होने के बाद क्या आ जाएगा। देखो पहली बात इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल, ठीक है, तो ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया आपके। अब ये कट कर लो, 1590 लगभग 9 टर्म में आंसर आ रहा है, तो पहला क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक डिब्बे में लाल गेंद कितनी है आपकी, रेड गेंद है आपकी 4, और ब्लू गेंद है आपकी 6, एक ही रंग की दो गेंद चुनने की प्रायिकता, तो सबसे पहले टोटल क्या होगी, टोटल गेंद हम 10 में से कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और एक ही रंग की दो गेंद चुन रहे हैं, यानी कि 4 में से या तो 2 ले सकते हैं, या फिर 6 में से हम कितनी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 4 × 3/2 प्लस क्या आपका 6 × 5 अपॉन में आपका 2, और अपॉन में 10 × 9 अपॉन में सेम 2, तो 2 से तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 12 + 32, यानी कि 42, इसके बाद तो ये कितना हो गया 90 हो गया। तो आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है, कितना हो गया 21 अपॉन में आपका 45, और 3 से अगेन करोगे तो 7 अपॉन में 50, ठीक है, इसने 7/15 आपको क्या दिया है, आंसर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 37। एक चिकित्सक को पता चलता है कि जितने भी रोगी उसके क्लिनिक में आते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इसको, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट इज एल्कोहोलिक गिवन दैट द पेशेंट हैज लिवर डिसीज, कि जो एल्कोहोलिक है उनको लिवर डिसीज है, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.08 प्रोबेबिलिटी है।
यानी कि आपको क्या दी हुई है, चलो आगे पढ़ लेते हैं इसमें। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट इज एल्कोहलिक इज प्रोबेबिलिटी पेशेंट के एल्कोहलिक होने की, यानी कि आपको पी ए कितना दिया हुआ है, 0.06 दिया हुआ है, ठीक है, 0.06 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट हैज़ लिवर डिसीज, यानी कि जिसको प्योरली लिवर डिसीज है वो कितनी है आपकी, 0.12। और यहाँ आपको दिया हुआ था स्टार्टिंग कि पेशेंट एल्कोहलिक है उसको लिवर डिसीज है, ठीक है, यानी कि पी ए अपॉन बी ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 0.08। और आपसे क्या पूछा है कि पेशेंट जिसको लिवर डिसीज है वह एल्कोहलिक हो, यानी कि आपका पी बी अपॉन ए आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखोगे कि भाई पी जो ए अपॉन बी है या फिर कोई भी टर्म हम जो इस तरह से लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन पी ओके अपॉन में सेम पी सेम टर्म पी बी पी बी। अब यहाँ आपको ये टर्म तो पता ही नहीं है लेकिन ये पता है, ये पता है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे कितना आपका पी ए अपॉन बी इंटू पी बी, ठीक है। अब सेम टर्म ये किसके लिए निकल जाएगी, ये निकल जाएगी आप बी किसके लिए, बी अपॉन ए ओके इंटू पी ए। अब आप यूँ सोचो कहीं कि भाई पी ए ये इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सेम है, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इस कंडीशन में इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो, तो इन दोनों को इक्वेशन बराबर करने पे क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन बी जो कितना रखा आपको 0.08 इंटू पी बी, पी बी कितना रखा आपको 0.12 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.06 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी बी बाई ए, जो आपसे क्या पूछा है, आंसर पूछा है। तो ये कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, तो 8 × 16 यानी कि आपका 0.16 आ गया आपका आंसर, क्लियर बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता क्या है कि 1 से लेकर 50 तक अनियमित ढंग से चयनित संख्या 3 या 7 की गुणक है। अब इसमें एक चीज़ ये पूछी आपसे कि 3 की गुणक हो, ठीक है, और 7 या फिर 7 की हो, ठीक है, कॉमन वाला हम 21 का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले ये निकाल लेंगे 3 के जो संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं, देखो 3, 6, 9 इस तरह से करोगे कब तक आएगा ये आपका 498 तक आएगा, और आपकी ये संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 में से 3 का डिवाइड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 165। तो 3 से डिवाइड होने वाली तो कितनी आ गई आपकी 165। सेम 7 की कितनी आ जाएंगी, 7 की आपकी आ जाएंगी 70। अब एक संख्या है 21 जिसमें 3 का भी जा रहा है 7 का भी जा रहा है और इन दोनों में क्या है वो कॉमन भी है, ठीक है, कई संख्याएं हैं जो इसमें भी आई हैं और इसमें भी आई हैं, उनको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 21 से कितनी आ गई वो 22 आ जाएंगी। तो यहाँ देखोगे अगर टोटल संख्याएं हैं तो 165 प्लस के 70 माइनस के 22 यानी कि टोटल एक्चुअल जो नंबर या 3 या 7 से डिवाइड होने वाले वो कितने हो जाएंगे आपके 213। लेकिन जो 213 किस में से, 500 में से, तो यहाँ पूछा पॉइंट में पूछा है इसलिए हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, किसका 500 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 4 वाली टर्म्स आएगी 4 और 2, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 वाला, इसमें पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है आपको और केवल बी के होने की प्रायिकता, ठीक है, तो केवल बी के होने की प्रायिकता का मतलब क्या है इसमें, और यदि ए के होने की प्रायिकता, देखो ए के होने की प्रायिकता का मतलब ये है बी को कॉमन वाला जो जो पार्ट कॉमन वाला है उसको हटा देंगे हम, लाइक ये आपका क्या है ए है और ये आपका बी है और ये कॉमन पार्ट है तो इसको हटा देते हैं, तो ये जो पार्ट आपका बच रहा है यहाँ से लेके और ये पूरा वाला ये आपका ओनली बी के ओनली ए कहलाएगा, अगर ये पूरा ये ए है तो, ठीक है, ये बी है तो ये कॉमन वाला हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो ओनली ए कहलाएगा। अब इसके बाद चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको कितना हो जाएगा, ये पी ए में से पी ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा देंगे, क्लियर बात। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि पी ए दिया हुआ है आपको 2/3, पी बी दिया हुआ है आपको 5/8 और केवल बी के होने की प्रायिकता पूछी है और केवल ए के होने की प्रायिकता कितनी है यहाँ पर 1/6, यानी कि ये कितना रखा आपको 1/6 दे रखा है, ए कितना रखा आपको 2/3 दे रखा है, तो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन जो आपका कॉमन वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से निकाल लोगे तो ये कितना आ गया आपका इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट वो कितना आ गया आपका 1/6 माइनस के 2/3 यानी कि सॉरी 2/3 माइनस के 1/6 यानी कि आपका कितना हो गया 1/2, ठीक है, कितना आ गया आपका 1/2। वहीं आपसे क्या पूछा है पी बी यानी कि ओनली बी वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या होगा जो कॉमन वाला वो हटा दोगे किस में से, पी बी में से आपके पी इंटरसेक्शन ए बी वाला पार्ट हाफ हटा दोगे, तो ए
कितना है पी बी, कितना है आपका 5/8, और कॉमन वाला कितना 1/2, यानी कि आपका कितना हो गया 1/8। ठीक है, क्लियर, 1/8 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें क्या पता करना है, फाइंड पी ए डैश अपॉन बी डैश। ये पता करना है कि पी ए डैश अपॉन में बी डैश, और ये दिया हुआ है आपको पी ए एंड पी बी, और पी इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है, पी ए डैश अपॉन बी डैश। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके, अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका पी बी डैश, इस तरह से ही लिख सकते हैं इसको। अब पी ए डैश अब इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या हो जाएगा, ये पी ए यूनियन बी अपॉन में 1 माइनस के पी बी। क्लियर है बात। अब मेन बात हमारे पास क्या है, यूनियन नहीं है, पी ए यूनियन बी नहीं है, बट हमको ये पता होता है कि भाई पी ए यूनियन बी जो है वो आपका क्या होगा, पी ए प्लस के पी बी, ठीक है, और माइनस के जो इनका कॉमन पार्ट है उसको वन एक बार ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, देखो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ओके, ये आपके पास कॉमन पार्ट है, ये ओनली ए है और ये ओनली बी है, ये कंप्लीट जो आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, यूनियन होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया, बट यहां तो हम एडिशन ऐड कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं, देखो इसमें हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं एक बार, क्योंकि देखो अगर हम इसकी बात करें ए की, तो इसमें भी एक बार आया हुआ है कॉमन पार्ट, और बी की बात करें तो इसमें भी एक बार आया हुआ है, तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने दो बार इसको कंसीडर कर लिया है, बट हम क्या करेंगे, एक बार को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये कॉमन पार्ट तो एक ही बार है ना, तो आपका सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, बी यूनियन में ए और बी को ऐड करने के बाद एक बार ही कॉमन पार्ट को हटा दो, या फिर एक ही बार आप कॉमन पार्ट लो, ठीक है। तो यहाँ से पी ए कितना हो गया आपका, पी ए हो गया 3/4, ओके, पी बी कितना हो गया 9/20, ओके, एंड पी इंटरसेक्शन ए यू बी, मतलब सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी जी कितना हो गया आपका 1/4। तो इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे, पुट करने के बाद पी बी है आपको, पी ए डैश अपॉन बी डैश आपको पता लग जाएगा। क्लियर है बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ए और बी पक्ष में अंतर, यानी कि देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको ऑड्स इन फेवर ए एंड बी आर 1/1:1, 3:2, यानी कि आपको क्या दिया है, ए प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है इसकी 1/2, और वहीं आपको पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, देखो ऑड्स इन फेवर लिख रहा है, ठीक है, ऑड्स इन फेवर लिख रहा है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पी की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया 3/5। अब इसकी बात बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट, अगर मतलब इनमें से एक ही इवेंट हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो अगर पहला हो और दूसरा नहीं हो, दूसरा नहीं हो इसका मतलब 2/5, अगर पहला नहीं हो तो भी क्या होगी 1/2, और दूसरा हो, दूसरा हो मतलब 3/5, होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये रही, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, डैश होगी ए, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, और वहीं आपकी बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी बी डैश या पी डैश बी आप जैसे भी लिखना चाहो 2/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, 10, 2 and 3, 5, यानी कि 1/2, यानी कि आपका कितना आ गया है 0.5, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ये क्वेश्चन देखेंगे 42, इसमें बोला है कि आपको 5 कार्ड्स दे रखे हैं, 5 पत्ते दे रखे हैं, और इसमें हमें 5 अंकों की संख्या बतानी है, लेकिन वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब एक बात देखो इसमें कि जब आप 5 अंकों की संख्या बनाओगे और वो 4 से डिवाइड हो, तो भाई डिवाइड होने के लिए ये वाला जो अंक है वो आपका क्या होना चाहिए, ईवन नंबर होना चाहिए। ईवन केवल क्या है, यहाँ पर 6 है ना, 6। अब रिमेन क्या है, ये जो 6 है वो तो आपने यहाँ फिक्स कर दिया, रिमेन कितने बचे हैं आपके, 4 पॉइंट बचे हैं, तो 4 पत्ते यहाँ आ सकते हैं, रिमेन 3 आपके पत्ते यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ आ सकते हैं और 1 आपका यहाँ आ सकता है, वो कोई भी हो सकते हैं रैंडम। तो ये कितना हो गया, आपकी कंडीशन कितनी है, 4 फैक्टोरियल में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल आपके तरीके हो सकते हैं आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये आंसर, 0.2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 0.2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पासे फेंके जाते हैं, कम से कम 2 पासों का समान अंक होने की प्रायिकता। अब देखो एक बात, आपके पास 3 डैश हैं, 1st, 2nd and 3rd, ओके, 1st, 2nd and 3rd। अब 1st में आपका क्या है, 3 पासे फेंके जा रहे हैं,
तो दो पासों पर समान अंक होने की प्रायिकता, यानी कि आपका अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माना कि एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर हम कम से कम में बात कर रहे हैं अभी, कि कम से कम में अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ दो पर आए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है और छः भी हो सकता है, तो कितने नंबर बन रहे हैं, पाँच बन रहे हैं। ठीक है, अब सेम कंडीशन किसके लिए होगी, सेम कंडीशन होगी आपकी दो दो के लिए, सेम कंडीशन किसके लिए होगी, छः छः तक, यानी कि आपके कितने 30, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, 30 पॉसिबिलिटी किस में होगी, 30 पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आपके दो जो हैं समान आए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम तीनों समान आए, तो वन 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 टू टू टू, इस तरह से कितनी हो गई आपकी, सिक्स पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम तीन पास से फेंक रहे हैं तो ये कितना हो गया, 6 की पावर 3 हो गया, तो ये यानी कि 36 अपॉन में 216, यानी कि इतना आ गया 1/6, क्या आ गया इसका प्रायिकता आ गई, क्या आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई। कम से कम दो वाली तो कितनी थी, ये वाला था 30, और थ्री वाला कितना है, वो 6 बनेंगे कि तीनों पास ही सेम आ जाए, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, वो 3 होंगी। ओके, इस 44 क्वेश्चन को अभी आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि इसमें क्या है कुछ मिस्टेक आई थी, और इसको चेक करके अभी आप फिर से कर लेंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी तीन परस्पर क्या है, अन्य और संपूर्ण घटना है, यानी कि आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दे रखे हैं, और इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये पी ए इक्वल टू 2b प्लस इक्वल टू 6pc। ठीक है, और आपसे ये बोला है, अब देखो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, इसका मतलब ये है कि पी ए प्लस के पी बी प्लस के पी सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी ए कितना दिया हुआ है, अगर हम इसको k मान लेते हैं तो ये कितना दिया हुआ है आपको, k दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है आपको, के बाई 2 दिया हुआ है, और प्लस के पी सी कितना है यहाँ पर, k/6 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले k की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और k की वैल्यू निकालोगे, और पी बी के लिए क्या है, k/2 है, तो अपन 2 कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप k की टर्म जैसे यहाँ पर आ रही है कितनी, 0.6 आएगी, 0.6, तो इसके लिए पी बी कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अगर पी ए पूछता तो 0.6 हो जाता, और अगर आपसे पी सी पूछता तो कितना होता, 0.1। अब तीनों को टोटल करके देख लो, 1 ही आएगा आपका। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछा है वो आप बता सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 का, ये आपको बोला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विच हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको क्या पूछा है, उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इट मीन्स मीन। ठीक है, मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, पी इंटू सम ऑफ पी इंटू एक्स अपॉन में सम ऑफ क्या हो जाएगा आपका, पी एक्स निकालो आप, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि आपसे मीन पूछ रहा है, तो ऑलरेडी ये क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो एन इंटू पी कर लो आप सिंपली, तो ये कितना हो गया आपका, पी इंटू एक्स यानी कि 0.2 प्लस के 1.2 प्लस के 2.4 प्लस के आपका 0.8 और प्लस के आपका 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 3 एंड 2, तो ये कितना हो गया 5.6। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 47 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है कि भाई जो 100 बल्ब में से एक डिब्बे में 30 दोषपूर्ण बल्ब हैं, और दो से अधिक दोषपूर्ण बल्ब के होने की प्रायिकता। अब आप यहाँ देखो कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पर 3/10 है, यानी 30 अपॉन में 100 लिखोगे तो ये कितने आ गए आपके, 3/10 आ गए। ठीक है, ओके, यानी दोषपूर्ण की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, वो 3/10। अब इसके बाद आपको बोला है कि दो से अधिक दोषपूर्ण बल्बों को प्राप्त करने की प्रायिकता, इंपॉर्टेंट बात, जो दोषपूर्ण नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/10 हो जाएगी, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो। अब दो से अधिक हमें दोषपूर्ण चाहिए, दो से अधिक दोषपूर्ण चाहिए, तो देखो इसके लिए हमें क्या निकालना, क्या लगाने, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और आपका क्यू एन माइनस के एक्स। अब यहाँ पर एन कितना दे रखा है आपको, आपको लेने हैं 5 बॉक्स, ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पर, 5 हो जाएगा। अब दूसरी बात, दो से अधिक दोषपूर्ण को प्राप्त करना है आपका, दो से अधिक दोषपूर्ण प्राप्त करना है, तो एक्स किस, एक्स एक बार के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा एक बार के लिए 3 और एक हो जाएगा एक बार के लिए 4 और एक बार हो जाएगा 5। पी आपको पता ही है, पी कितना है, 3/10, और क्यू आपको पता है, 7/10, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है इसमें,
इसके बाद है द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, यानी आपको क्या दिया हुआ है और आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछिए। अब एक बात देखो, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है, मी म्यू इक्वल टू एन पी इक्वल टू आपका दे रखा है 5, और दूसरी बात आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, वो होता है आपका एन पी क्यू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, वो कितना होता है आपका एन पी क्यू, ठीक है आपका ये, सॉरी ये तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरियंस हो जाएगा। ये कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। एन पी की वैल्यू देखिए 5, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, और वहीं आपसे क्या पूछिए, सफलता की प्रैक्टिस पूछिए, पॉसिबल आपको क्या है पी पूछा है, पी पूछा है तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, इफ द मीन ऑफ ए पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज 9 देन इट्स वेरियंस इज इक्वल टू, आपको क्या बोला है कि आपको पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ है 9, पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है लैम्डा होता है, और वो कितना दिया आपको 9, और आपसे पूछा है वेरियंस इज इक्वल टू, यानी आपका वेरियंस कितना होगा। अब एक बात देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरियंस कितना होता है लैम्डा ही होता है, और लैम्डा कितना हो जाएगा आपका सेम 9 हो जाएगा, और यहाँ आपको 9 दे ही रखा है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो वो क्या होता है अंडर रूट में लैम्डा होता है, तो जो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आंसर क्या था 3 आता। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑलरेडी मैंने कराई हुई है, वीडियो एक बनाई हुई है, तो देख लेना उसको, ओके। और इसके बाद है इसमें नेक्स्ट करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, एक्स का माध्य ज्ञात करो यदि एक पॉइजन वेरिएट P3 और P4 को बराबर करता है, यानी सेटिस्फाई करता है। अब ये बात कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है लैम्डा की पावर एक्स, ये इसका क्या होता है PDF, ई की पावर माइनस के लैम्डा अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, यही होता है आपका PDF। अब यहाँ पर लैम्डा कितना है आपको, लैम्डा आपको पता ही नहीं है, वही आपको पता करना है, या आपको मीन पता करना है, मीन मतलब कि वो किसी भी टर्म में हो सकता है, लैम्डा की टर्म में हो सकता है। अब लैम्डा की पावर आपका क्या है 3, ई की पावर माइनस के लैम्डा अपॉन में आपका 3 का फैक्टोरियल, और जो किसके बराबर होगा आपका लैम्डा की पावर 4, कह रहा है ना P4, तो ई की पावर माइनस के लैम्डा अपॉन में आपका 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल से आपका 3 फैक्टोरियल पूरी तरह से कट जाएगा, केवल 4 बचेगा यहाँ पे, ये आपका कट जाएगा, ये 3 टाइम्स से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये लैम्डा इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और इसका जो मीन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या होता है, वो होता है आपका लैम्डा ही होता है, तो आपसे क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप वो निकाल सकते हो इजीली। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी, आप इसको देख लेना, अगर आप लाइक करते हो कमेंट करते हो कुछ, तो डेफिनेटली मैं इसका आगे का पार्ट भी बना दूंगा, और 25-25 क्वेश्चन के सेट फटाफट से यहाँ खत्म कर लेंगे 25 से 30 मिनट के अंदर। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।